है कि अपने को हल्का रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पुरुषार्थी के जीवन में कई बातें ऐसे हैं जो उसके अंदर ब्लॉक के रूप में हैं, हम उसको डिस्चार्ज ये नहीं करना चाहते। किसी के प्रति हमारा इंप्रेशन बना हुआ है, चाहे वो लौकिक परिवार वाले हैं, चाहे हमारे ऑफिस वाले हैं, चाहे हम खुद ही हैं, हमारे अपने भी संस्कार भी तो हमारे अंदर मेंटल ब्लॉक बना देते हैं ना। चलो मानो सवेरे उठ कर ध्यान करते हैं, दीदी अनुज कहते हैं सुबह उठे, हम बाहर का खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या करें? फिर उस पीस रूम में बैठ के बार बार इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, बाबा को कहेंगे कि बाबा ये आकर्षण होता है, हम क्या करें आप बताओ ना। आप जब मेरा मन करे ना इस चीज़ को खाने का, जब मेरा मन करे ना आनंद का, तो प्लीज़ आप आ जाना। तो बाबा क्या करेगा, आएगा भी, उठाएगा भी, वार्निंग भी देगा, लेकिन करना किसको पड़ेगा? बाबा यही तो कहते हैं ना कि बाबा बच्चों को बहुत सी समझ दे देते हैं, और समझ देने के बाद क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब तुमको अपने आप को खुद संभालना है, जिम्मेवार बनना है। इसलिए बाबा ने हमें ये ज्ञान देकर बाबा ने हमें जागरूक कर दिया कि अपने भाग्य के निर्माता कौन है, क्या कहते हैं, इसीलिए तो देवताओं के पीछे और दिखाया जाता है।